नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ नई रेसिपी के साथ, खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन इस रेसिपी से अगर एक बार आप खिचड़ी बना के खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इसको बार बार बना के इसी रेसिपी से खाएंगे और खिचड़ी खाना किसी को बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। यहाँ मैंने चावल ले लिया है 200 ग्राम। यहाँ मैंने चावल को 3 से 4 बार धो लिया अच्छे से। अब यहाँ एक बड़ी से पतीले में मैंने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और लाल मिर्च डाल करके इससे तड़का लगा देने का है। इसमें मैं चावल को जो धो के रखी थी उस पर सारा डाल दूंगी। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, पुलाव का चावल भी ले सकते हैं, नॉर्मल चावल जो हम लोग घर में खाते हैं वो तो सबके घर में रहता है, वो भी उससे भी आप बना सकते हैं। अब इसमें मैं अच्छे से थोड़ा सा चावल को चलाते हुए इस पर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी उतना ही डालें जितना कि इसमें अच्छे से चावल पक जाए। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी नमक। अब अच्छे से इसको चावल को पका करके ले लेने का। आप देख सकते हैं मेरा चावल पक चुका है इधर। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डाल के जीरा डाल दिया है। इसमें प्याज मैंने एक कटा बड़ा साइज का रखा था वो डाल देती हूँ, पतला पतला कट करके मैंने रखा था। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज होने तक चला दूँगी। अभी हो चुका है। इसमें मैं टमाटर एक कट करके रखा था वो भी डाल देती हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, इसमें आप कोई भी, आप चाहे तो सांभर मसाला और पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। जीरा पाउडर और आप इसमें काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कुछ भी आप कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो इसमें मैंने अच्छे से इसको चला करके ले लिया है। इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। और इसमें मैंने दाल थोड़ा सा मैंने रखा था उसका भिगा करके, चने का दाल डाल के अच्छे से इसको मिला करके थोड़ा ढक के 3 से 4 मिनट पका लेने का मीडियम फ्लेम पे। अभी देख सकते हैं अभी ये मेरा दाल भी हो चुका है। इसमें जो मैंने चावल पका करके रखा था सारा इसमें डाल दूंगी। अच्छे से इसको मिलाते हुए सारा मिक्स करके ले लेने का है। इससे स्वाद के अनुसार नमक डाल देने का है। नमक डालने के बाद अच्छे से नमक को मिला लेने का है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा गर्मा गर्म खिचड़ी बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ कट करके। अब इसको एक बर्तन में निकाल करके मैं ले लेती हूँ। यहाँ मैंने एक बर्तन में इसको निकाल दिया है सर्व करने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। जो खिचड़ी नहीं खाता होगा वो भी खिचड़ी खाना चालू कर देगा। इसको आप किसी भी दाल में बना सकते हैं। आप इसको चने के दाल में, अरहर के दाल में, मूंग दाल, किसी भी दाल से आप इसको बना सकते हैं इस रेसिपी से। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।